वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं शर्मा। एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे ऑयलिंग करना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे जो प्रॉब्लम आते हैं, तो मुझे जो कमेंट करके आप लोग बताते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद आप लोगों को ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ नॉट ओनली शेयर करूंगी कैसे हेयर पे ऑयलिंग करना चाहिए, और भी एक चीज शेयर करूंगी कौन सी हेयर पे कौन सी ऑयल अच्छा है, एंड इस विंटर सीजन पे कौन सा हेयर ऑयल करना चाहिए। सबसे पहले जो ऑयल को लेकर बात करूंगी वो है बजाज आलमंड ड्रॉप्स की हेयर ऑयल। ये ऑयल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसीलिए क्योंकि लास्ट 5 to 6 months मैंने यही ऑयल को लगा रही हूँ। एंड आप लोगों को ये तो पता ही है कि मैं कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट थी, एंड प्रेग्नेंट औरत की हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप लोगों को ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज शेयर करूंगी कि ये ऑयल लगाने के बाद मुझे एकदम भी हेयर फॉल नहीं हुए थे। अगर आपको ये बिलीव ना हो तो मैंने आज आप लोगों के साथ एकदम लाइव डेमो दिखा रही हूँ। देखिए ये है मेरी हेयर, एंड अगर मैंने ऐसे इसको पुल कर रही हूँ तो देखिए देयर इज नो हेयर। तो यही एकदम ट्रू रिव्यूज कि मुझे एकदम भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम चले गए हैं, क्योंकि लास्ट 5 to 6 months मैंने ये बजाज आलमंड ड्रॉप्स की हेयर ऑयल को ही यूज कर रही हूँ, तो एकदम भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है। ये तो खत्म हो ही चुका है, इसीलिए मैंने लास्ट एक वीक से मैंने ये ऑयल को यूज कर रही हूँ। ये है कि डाबोर की आलमंड हेयर ऑयल, तो ये भी थोड़ा सा खत्म हो गया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। लगाने के बाद ही मुझे महसूस हुआ था कि ये भी बजाज आलमंड ड्रॉप्स की तरह ही बहुत ही सॉफ्ट टाइप का एक हेयर ऑयल है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आप हेयर ऑयल चूज करने पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कोई भी कंपनी का आलमंड्स ऑयल को एक बार ट्राई कर सकते हैं। आ रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है। आप लोगों को हेयर ऑयलिंग का स्टार्ट करना है नीचे से, तो नीचे से आपको ऑयलिंग करने के बाद ऊपर आना चाहिए। एंड हम लोग जो सबसे बड़ा गलती करते हैं कि हम लोग उसको हैंड पर पंप पर लेकर क्या करते हो कि पहले हम लोग उसको हम लोगों का स्कैल्प पे लगाते हो। ऑयल को पहले ही स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ज्यादा लॉन्ग हेयर है और आपको शॉर्ट हेयर है, तब भी आपको ये नीचे से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। पहले जो चीज करना चाहिए कि थोड़ा सा लेकर आपको हेयर एंड्स पे लगाना चाहिए, एंड देन धीरे धीरे से ऊपर आना चाहिए। और अगर आप चाहे तो अगर आपको ज्यादा लंबा हेयर है तो आप चाहे तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल को लेकर रखने के बाद सिर्फ नीचे से लगाने के बाद आप सो जाइए, नेक्स्ट दिन आप उसको मैसेज करें। अगर लगाने के बाद ही आप मैसेज स्टार्ट कर दे तो आपने हेयर फॉल होगा ही। दो टाइप्स का हेयर कॉम्ब है, ओके। तो पहले इस टाइप्स का एक जो व्हाइट टूथ है, इस टाइप्स का हेयर कॉम्ब से आपको हेयर को कॉम्ब कर लेना चाहिए। तो जब भी आप ऑयलिंग करेंगे उसके पहले आपको हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेना चाहिए। अगर आप अच्छे से कॉम्ब नहीं करेंगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगा, एंड अगर आप अच्छे से आपको टैंगल को रिमूव कर लेंगे तो हेयर फॉल थोड़ा सा कम होगा। एंड आपको कॉम्ब करना है नीचे से, ये तो मैंने बहुत पहले से आप लोगों के साथ शेयर करके आ रही हूँ कि नीचे से ऊपर तक आपको धीरे धीरे से कॉम्ब करना चाहिए। एंड कॉम्ब करने के बाद मैंने ये बजाज आलमंड ड्रॉप्स को हेयर की एकदम माथे के ऊपर पे एकदम मिडिल पे लगा रही हूँ। देखिए एकदम सर के एकदम मिडिल पे रखने के बाद ही मैंने मैसेज स्टार्ट नहीं कर दी हूँ, तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को लेकर हेयर की जो लेंथ होती है वहाँ पे लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। बहुत लोग हैं आप लोगों के अंदर जो हेयर की लेंथ पे ऑयल लगाना पसंद नहीं करते, बट अगर आपको हेयर की लेंथ पे ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे का जो हेयर होती है वो बहुत ही रफ हो जाते हैं, इसीलिए नीचे पहले ऑयल लगाना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा दूसरी कंपनी का भी हेयर ऑयल को लगा लेने के बाद भी उसको एक ही प्रोसेस पे मैसेज करना स्टार्ट की हूँ। पूरे हेयर पे ऑयल लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको मैसेज दे रही हूँ। फिंगर टिप से आपको इसको मैसेज देना है, एंड बहुत ही जेंटली मैसेज देना है। मैंने यहाँ पे स्पीड कर दिया, इसीलिए लग रहा है कि बहुत जोर जोर से कर रही हूँ, बट जोर से नहीं कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्टली एंड जेंटली आपको ये मैसेज देना चाहिए। We'll be right back.
पूरे हेयर पे अच्छे से ऑयल लगाना खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे करके मैंने पहले जिस प्रोसेस पे आप लोगों के साथ शेयर की हूँ उसी प्रोसेस से आपको कॉम करना चाहिए। एंड देखिए कॉम करने के बाद मेरी एक भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो अगर आप भी इसी प्रोसेस पे ट्राई करें तो आपको भी कोई हेयर फॉल नहीं होगी। हेयर फॉल नहीं हुआ है तो आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें तो आपको भी एकदम हेयर फॉल नहीं होगा। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे हैं, ये वीडियो से आपको बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिले हैं। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छे लगे देन ये वीडियो को आप आपके फ्रेंड के साथ कोई भी सोशल साइट लाइक व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड